WWE 2K17 Michael Hero, The Rise of Jinder Mahal। तो दोस्तों आप लोगों का फिर दोबारा स्वागत है WWE 2K17 जिंदर महल के माई करियर मोड में। तो जब पेपर व्यू वाला वीक होता है तब हम पेपर व्यू मैचेस करने की कोशिश करेंगे। तो अब वहीं से कंटिन्यू करते हुए, जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि हमने राइवलरी उठाई थी AJ स्टाइल्स के साथ, वहीं पे ख़त्म कर डाली, आज वहीं से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लेट्स गो। तो अभी भी हम US चैंपियनशिप के रैंकिंग्स में नंबर 3 पे, हमें सैमी ज़ेन, फिन बैलर एंड सिज़ारो द चैम्पियन हमारे ऊपर। तो अब हम जा रहे फेटल 4-वे बैटल रॉयल मैच है भाई, मेन इवेंट पे, 4 लोगों के बीच में मस्त। केविन ओवेंस, जिंदर महल, शेमस एंड बैरन ब्लेड, क्या बात है। एंड साथ में हमारी राइवलरी रोमन रेंज के साथ स्टार्ट कर दिए, हेमन ने हमें चैलेंज दिया था। लेकिन ये मैच ऑसम होने वाला है, घंटा बज चुका है, फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो बैटल रॉयल मैच है, जिसने जिसको बाहर फेंका एंड जो लास्ट में रिंग के अंदर बचेगा वो जीतेगा इस मैच को। हम चारों के बीच, चारों के चारों US चैंपियनशिप के लिए बहुत बड़े कंटेंडर्स, जो जीता उसकी रैंकिंग तो बढ़नी बढ़नी है कुछ भी हो जाए। तो यहाँ जिंदर महल ने बैरन ब्लेड को संभाल रखा है, वहाँ पे केविन ओवेंस शेमस को पीटते हुए एक्सप्लोडर सुप्लेक्स आया हमारी तरफ से, लेट्स गो। बैरन ब्लेड एंड हमारे बीच में काफ़ी दुश्मनी हो रही है, पिछला मैच जो हुआ था हमारा उसमें बैरन ब्लेड हमसे जीत गया था किसी तरह लास्ट में जाके, एंड उसी चीज़ का आज बदला निकाल के रहेगा जिंदर महल। ये पड़ा भाई जॉब ब्रेकर, शेमस पिट रहा है बुरी तरह केविन ओवेंस के हाथों हाथ। भाई साहब सब US चैंपियनशिप के लिए कुछ भी करेंगे। एंड यहाँ पे बैरन ब्लेड ने हमें पकड़ा, बैक ड्रॉप, भाई चारों पे कंसंट्रेट करना बहुत ही मुश्किल, अपना एक टारगेट चुनो एंड मार मार के फोर डालो उसको, धीरे धीरे एलिमिनेट करते रहो एक एक को। एंड मैं भी बाहर, केविन ओवेंस बाहर, एंड बॉटम रोप एलिमिनेशन स्टार्ट होने वाला है मेरे साथ। तो यहाँ पे बच गया भाई, बच गया, बचा लिया, एक दूसरे में लड़ पड़े ये लोग। केविन ओवेंस को छोड़ के आ गया वो मुझे मारने, बड़े चालू है। सबसे पहले ये जिंदर महल को एलिमिनेट करना चाहते लगता है। केविन ओवेंस को मारा जॉब ब्रेकर, ओहो पटक दिया पीछे की तरफ, रिवर्सल्स चारों तरफ से आ रहे हैं यहाँ पे। अबे यार केविन ओवेंस, ओह क्या सुपर किक मारी यार इसने, तो मुंह फोड़ डाला। जिंदर महल की हालत ख़राब कर दी है, मेरे पास कोई रिवर्सल्स नहीं, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। केविन ओवेंस ने बाहर की तरफ पटक दिया हमें, लटका दिया भाई, मिडल रोप एलिमिनेशन के लिए स्टार्ट हो चुका है। मैं बाहर गिरने वाला हूँ, कुछ दिख भी नहीं रहा कहाँ है। एंड बच गए बेटा, वापस रिंग के अंदर जिंदर महल, फाइट मैन। सबसे पहले तो अपने रिवर्सल्स बढ़ाओ जितने हो सकते हैं। बूम, केविन ओवेंस को पटका पीछे की तरफ एंड इसने रिवर्सल कर दिया उठते ही। धाड़, केविन ओवेंस ने फुल यहाँ पे मेरे ऊपर डोमिनेट किया हुआ है मैच को, घुमा के साइड बॉक्स स्लैम, ये क्या पीछे की तरफ पटक दिया। वहाँ पे बैरन ब्लेड प्रॉब्लम में, शेमस फुल एफर्ट दिखा रहे हैं वहाँ बाहर फेंकने की कोशिश उसको, एंड ये केविन का बच्चा मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। ले फिर साले, एक एल्बो मारा है जिंदर महल फटाफट टॉप रोप पे, वहाँ पे बैरन ब्लेड बाहर हो गया, यहाँ पे शेमस ने आके मुझे मार दिया। भाई कब किसका एलिमिनेशन हो जाए पता ही नहीं चलता, इतना क्विक होता है ये गेम। एंड ये पड़ा मार, पंच पे पंच मुंह पे, जिंदर महल बुरी हालत में, दोनों लक के इसको पीट रहे इधर उधर से। एंड ये किया रिवर्सल, अबे शेमस यार अपना काम करना, अपना काम कर, बेली टू बेली। भाई कुछ तो वेंडेटा है मेरे अगेंस्ट, लगे पड़े दोनों लात पे लात बजा रहे, भाई एक दूसरे में लड़ लो, लगता है कुछ प्लान बना के आए ये लोग, ट्रिक करने की कोशिश कर रहे मुझे। यस, अब थोड़े बीच में एक दूसरे के बीच में झगड़ा हुआ, ये पकड़ा केविन ने, मैं भी इसकी मदद करता हूँ, दोनों मिल के इसको बाहर फेंकेंगे आज, दोनों मिल के बाहर फेंकेंगे। चल बेटा पाँव भी लगा दे अपना, यस एंड बैंग, शेमस बाहर, ये पड़ा एल्बो। अब बच जाएगा केविन ओवेंस, तू बच जाएगा साला। अब हमने इसकी टांगे मरोड़ दिए यहाँ पे, कूद इसके ऊपर, ये ले बेटा। सिग्नेचर मूव आ चुका है जिंदर महल के पास, बहुत ही अच्छा मौका हमारे पास यहाँ पे, कोने में पटकेंगे इसको। चल बेटा बाहर नहीं फेंकूंगा इसको, सिग्नेचर मूव दूंगा सबसे पहले तो, ये ले। एंड पड़ गया हमारा डबल नी, धमाका गया, केविन ओवेंस की वाट लगा दी हमने। अब टाइम आ गया इसको एलिमिनेट करने का, हम होंगे इस बैटल रॉयल के विजेता। बाहर की तरफ लटकाया इसको, फिनिशिंग मूव है हमारे पास, यस फिनिशर, एंड ही इज आउट।
एंड इस फोर मैन बैटल रॉयल के विजेता जिंदर महल। भाई काफ़ी टफ पड़ गया था मैच, तीनों के तीनों मेरे ऊपर चढ़ गए थे, लेकिन हमने किसी तरह सूझबूझ से सबको एलिमिनेट कर डाला एंड में। रोमन रेंज के साथ हमारी राइवलरी बढ़ते जा रही है यहाँ पे, एंड उसका मैच अभी ख़त्म हुआ, जिंदर महल बाहर आ गया। दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ही टेंशन हो रहा है भाई, अब फटेगा दोनों का गुस्सा। चैलेंज करने पहुंच गया जिंदर महल बाहर, आ जा रोमन आ जा। ले भाई बड़ी फाइट होने वाली है यहाँ पे। ये स्टार्ट हुआ रोमन रेंज का पहला पंच, जिंदर महल, रोमन, जिंदर, रोमन, ब्रॉल स्टार्ट हो गई बाहर, ऑफिशियल्स बाहर आ गए, दोनों को अलग कर दिया है। हो हो, एंड अभी भी नहीं रुके। ले भाई धनाधन भाई साहब जानवर। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं समर स्लैम की तरफ, एंड दो मैचेस है मेरे इसी दिन पे, एक वन ऑन वन नॉर्मल मैच अगेंस्ट रोमन रेंज, लेकिन उससे पहले हमें अपना टैग टीम टाइटल डिफेंड करना है अगेंस्ट दी उसोस। तो आखिरकार हमारे टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नए चैलेंजर्स जिमी एंड जे उसो हमारे अगेंस्ट दी धमाकेदार डुओ जिंदर महल एंड ब्रोडी टायसन की। एंड यहाँ पे अटैक्स पे अटैक्स हो रहे हैं, ऊसोज ने अपर हैंड ले लिया है, जिमी हमें मारने में लगा है, ये पड़ा एक एल्बो, जिंदर थोड़े बहुत यहाँ पे मार खाता हुआ, लेकिन ये किया रिवर्सल, व्हाट एन जॉब ब्रेकर, एंड बूम एल्बो टू द फेस। सेकंड रोप पे चढ़े हैं एंड ये मारा सेंटॉन, बहुत सही कनेक्ट हुआ सीधा बीच में, एंड उठा लिया है जिमी को एक्सप्लोडर सुप्लेक्स के साथ पीछे की तरफ पटका है। आज अपना टाइटल डिफेंड करने का एक और मौका हर पेपर व्यू में करना ही पड़ता है हमें, ये पड़ा एक और, मुंह तोड़ के छोड़ेंगे इसका, जबड़ा तोड़ देंगे आज। ये ले एंड फिर ये आया रिवर्सल जिमी की तरफ से, उसोस ट्राइंग टू फाइट बैक, भागते हुए आया गोल घूम के DDT, एंड अब थोड़ा सा जान आई है उसोस के अंदर, उसने टैग कर दिया, जे उसो अंदर आ चुके हैं, एंड व्हाट अ चांटा, उल्टे हाथ का चांटा, जिंदर महल डाउन, जे उसो उठाते हुए हमें सुप्लेक्स के लिए जा रहे हैं, बहुत ही सही सुप्लेक्स, बहुत ही फास्ट। ब्रोडी टायसन वेट करते हुए अपने बारी का, टैग मिल जाए उसको किसी तरह, यहाँ पे जिंदर महल पिट रहा है काफ़ी। ये आया रिवर्सल हमारे तरफ से, जे उसो सीधा मुंह के बल नीचे गिरा, यहाँ पे कोने में फेंकेंगे अपने फॉर अ डबल टीम मूव, टैग भी हो जाएगा इसी के साथ। यस अपना दोस्त ब्रोडी टायसन इन, आयरिश व्हिप, ये पटका एंड दोनों तरफ से लात, एंड इसने उठा लिया जे उसो को, बूम व्हाट अ बैकड्रॉप, मैं चला बाहर की तरफ, कोई ना मैं ऊपर चढ़ गया हूँ, ये ले फिर पेट पे कूदे इसके दोबारा से। ओके बाहर खड़े जाओ आराम से, डिस्क्वालीफाई नहीं होना भाई, वैसे अगर डिस्क्वालीफाई हो भी जाए तो चैंपियनशिप हमारे पास ही रहेगी कुछ भी हो जाए। ब्रोडी टायसन यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड, ये मारी लात, ये ले बेटा हमारे जैसे धमाकेदार डुओ से पंगा, फटाफट टैग्स यहाँ पे, जिंदर महल बैक इन द रिंग, ये उठाया, अरे क्या पटका है, तब तक जिंदर रेडी, ये ले एक और मूव, मूव पे मूव, मूव पे मूव, बिल्कुल सांस लेने तक का मौका नहीं दिया हमने जे को, ये किया उसने रिवर्सल, ये ले फिर मेरा रिवर्सल, उठा लिया फिर दोबारा स्कूप स्लैम के लिए जा रहे थे, लेकिन नेक ब्रेकर पड़ा दूसरी तरफ से, थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर ही रहे थे हम लोग कि डिस्टर्ब हो गए, ये आए भाई इधर से उधर जा रहा है ये मैच, एंड ये ले एक और, छोटे छोटे स्टनर्स हमारे, बच्चा स्टनर्स, जिंदर महल 98 मोमेंटम पे, एक्सप्लोडर सुप्लेक्स ऑन जे उसो, दूसरी तरफ को पटका है, सीधा टॉप रोप की तरफ भागे जिंदर महल, हाई फ्लाइंग मूव, एंड वो फ्रैग स्प्लैश, फ्रैग स्प्लैश, जिंदर महल के पास सिग्नेचर मूव, कोने में पटकेंगे इसको, लेट्स गो, ये गया कोने में, ये पड़ गया सिग्नेचर मूव, लटका दिया इसको कोने में, धड़ दे दिया भाई पेट में, पेट में दे दिया इसके वन ने, कोने में लटकाओ इसको, तो ये लटकाया जे उसो को, चल फिर वापस अंदर भी आ जाओ। ले बेटा ये पड़ा पीठ पे, एक और दो तीन एंड
ये ले बेटा बैक ब्रेकर। भाई जो जे की वाट लगी है यहाँ पे, बुरी हालत करती है मार मार के। ओहो क्लोज लाइन, जे उसको फटाफट भागने की कोशिश करेगा। यस बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पे, जिमी उसको को अंदर अटैक कर दिया है, वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा बेटर हालत में। चांटे से स्टार्ट किया एंड जिंदर महल बैक इन ट्रबल। ओप्स थर्ड रोप पे बैठा दिया सबसे ऊपर, ये किया रिवर्सल, एल्बो मारा मुंह पे, जिंदर महल रेडी। ओहो डबल नी टू द फेस, क्या सही मूव था। जिमी उसो थोड़ा सा प्रॉब्लम में लग रहे हैं यहाँ पे, पकड़ लिया सर से, पकड़ लिया इसको, चल यहाँ पे। एंड ओएमजी मोमेंट, ये लड़का है बाहर की तरफ, द सुसाइड स्पीयर, बूम, ऑलमोस्ट अनाउंस टेबल पे गिरते गिरते बचे। क्या खतरनाक मूव किए भाई, हम यहाँ के टैग टीम चैंपियन हैं, हमसे बढ़िया कोई नहीं इस डिवीजन में, समझे। आ जाओ नए नए चैलेंजर, जितने लाने ले आओ। ओ भाई डबल हैंडेड बम ब्रेकर एंड तड़प रहा है यहाँ पे जिंदर महल तो। ओहो स्मैकमेयर, जिमी तो लटक गया है, जे लटक गया है, जिमी हमें मारने में लगा है। भाई हालत बहुत बुरी है इन दोनों की, क्या ये लड़ पाएंगे, क्या ये चैंपियन बन पाएंगे, डाउटफुल है भाई हमारे जैसे टैग टीम के अगेंस्ट तो कुछ नहीं है। ओ सुपर किक सिग्नेचर मूव, व्हाट अ मैच। ओ वन टू, कंसंट्रेट कंसंट्रेट, हवा में मत उड़ो, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो। रिवर्सल हुआ यहाँ पे, ओ किक मारने की कोशिश, सब जगह से रिवर्सल जा रहे हैं, अबे कहाँ मार रहा है, ये पड़ा पीठ पे। सही सिग्नेचर मूव दोबारा हमारे पास, लेकिन उससे पहले एक स्नैप सुप्लेक्स, पड़ाक लेटा दिया भाई, आ जा जे, कॉर्नर सिग्नेचर लगा दिया हमने, ये हुई ना बात। उठ रहा है उठ रहा है, एंड जिमी के मुंह पे रिवर्सल कर दिया उसने, पूरा मूव खराब कर दिया, पूरा मूव यहाँ पे कोने में लटका दिया मुझको। एंड ओहो ब्रोडी टाइसन ने चालाकी से अपने अटैक ले लिया है, वो अंदर आ गया है, वो मेन मैन बन गया है, बचा लिया उसने जिंदर को। जिंदर खुद लटक चुका है भाई, बिल्कुल लटक चुका है, अपने आप को समझदारी से अटैक किया इसने चालाकी से, एंड सारा दबाव उस पर। अब कम ऑन ब्रोडी, तू ही बचा सकता है हमारे टैग टीम को। यहाँ पे जिमी टॉन्ट मारेगा, बच गया। हो व्हाट अ रिवर्सल, ये बिना बात ब्रोडी आ गया जोश में, चढ़ गया वो टॉप रोप पे, दिखा दे भाई हाई फ्लाइंग सुपर मूव। ओ क्रॉस बॉडी फ्रॉम द टॉप रोप, एक ये रिवर्सल कर चुका है, दूसरा नहीं करने दूंगा, घुमा के दे इसके मुंह पे लात, द डिस्कस बिग बूट। यो ये तो बहुत ही सही कनेक्ट हुआ, पटाक आवाज आती है, मजा आ जाता है, कोने में पटकेंगे अपना सुपर ओएमजी मोमेंट, द यूनिकॉर्न स्टैम्पीड, ले धना धन लात शुरू। ब्रोडी अंदर, अब उसकी बारी, धाड़ धाड़। ये है बहुत ही मस्त मूव लगता है मुझे, ओएमजी टैग टीम मोमेंट, बूम बूम छेद दिया इसको बिल्कुल बुरी तरह। एट लास्ट में बैंग ड्रॉप किक, ब्रोडी टाइसन के हाथ में मैच, जे उसो को बाहर पटका हमने, फॉर द पिन, चल वन टू, व्हाट कैसे ये तो पंगा कर दिया इन लोगों ने, मैं टॉन्ट मार रहा हूँ पीछे, बचे हैं अभी भी ये लोग, चैलेंजर ऐसे ही नहीं बने, फुल फाइट दे के जाएंगे। जिमी खतरनाक लग रहा है अभी, बहुत ही खतरनाक, सिग्नेचर एंड फिनिशर दोनों पड़े उसके पास, कभी भी कुछ भी निकाल सकते अपने आसने के अंदर से। ये उसो की हालत ही खराब है, भारी पड़ा रहेगा। ये किया रिवर्सल ब्रोडी ने, करते जा टॉन्ट में मार रहा हूँ बाहर से। ब्रोडी ने थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल लिया है, धाड़ तीन चार मुक्के सर पे फोड़े इसके, सर फाड़ देंगे आज लगता है, खून तो निकाल ही देगा। वन टू, ओ लास्ट मोमेंट पे किक आउट मारा है यहाँ पे, जिमी पूरी तरह फाइट करने की कोशिश कर रहा है, एंड ब्रोडी ने फिर हमें टैग दे दिया। भाई मुझे क्यों खिलवाना चाहता है तू इसका फिनिशर,
जानता है भाई मेरी हेल्थ वैसी कम है। कोई ना, आयरिश वेब, अबे फिर लटक गया। ले भाई बाहर फेंका इसको, टॉप रूप पे मैं चढ़ूंगा। ओ भाई एक्सट्रीम हो रहा है यहाँ तो, एक्सट्रीम। ओ शिट, कैचिंग फिनिशर रिंग के बाहर, क्या सुपर किक पड़ी मुंह पे। जिंदर महल बिल्कुल बेहोश, ये तो मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं इसके पास कैचिंग फिनिशर है। क्या सुपर किक था, इतने हाइट से मेरी वाट लगा दी भाई इसने, सही में लगा दी इसने तो। अब आ तू अंदर आ, मैं बताता हूँ तुझे, बच गया मैं, रिंग के अंदर नहीं था वो। फिर दोबारा पीठ पे वार, कमर तोड़ दे रही इसकी, सही से हॉस्पिटल ही पहुँचना है इनको लग रहा है। वापस अपने कोने में, अपने रिंग की तरफ रखो, इनको मौका ही ना दो, बस यही है हमारा फंडा। जे तो वैसे ही बुरी हालत में, ये उछाला है एंड फिर दोबारा डबल किक। ब्रोडी ने दूसरे कोने में पटका उसको, अरे रिवर्सल आया दूसरी तरफ से, रिवर्सल आया दूसरी तरफ से, रशियन लेग स्वीप। जे भी भागने की कोशिश कर सकता है, वो टैग देने की कोशिश कर सकता है जे को, लेकिन उसको भरोसा ही नहीं है वो कुछ होगा वहाँ पे। ब्रोडी थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, मार खाते हुए येलो हो गया उसका शरीर। एक और एल्बो पड़ा पीठ पे, आजा इधर, आजा इधर आना। आई थॉट वो टैग के लिए जा रहा है, लेकिन नहीं, ये किया ब्रोडी ने, ब्रोडी ने रिवर्सल किया है। मोमेंटम पकड़ फटाफट, पिन के लिए जा रहा है वो, कम ऑन, 1 2। जिंदर की हालत इतने बहुत ख़राब कर दी है मार मार के। मेरा एक और मैच है इसके बाद, उसमें क्या होगा, रोमन रेंज के अगेंस्ट है वो। सारी एनर्जी मैंने इसमें निकाल दी, पूरी हेल्थ इसमें खा ली इन लोगों ने अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए। घुमा के सिग्नेचर मूव, बूम, व्हाट अ बिग बूट, दिस शुड बी इट, दिस शुड बी इट, चल 1 2 3, डिफेंडेड, वी सक्सेसफुली डिफेंडेड एंड हम लोग अभी भी टैग टीम चैंपियंस। भाई कोई नहीं ले सकता, एक अच्छी बात यह थी कि नए चैलेंजर्स आए हमारे अगेंस्ट। तो मेरा समर स्लैम में सेकेंड मैच रोमन रेंज वर्सेस जिंदर महल, 1-on-1 नॉर्मल मैच। अब टाइम आ गया इस राइवलरी को खत्म करने का एंड ये स्टार्ट हुआ हमारा मैच। पूरे इफेक्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, सेकेंड मैच है मेरा, पूरे इफेक्ट दिख रहे हैं फर्स्ट मैच के। भाई जो हालत बुरी हुई है हमारी टैग टीम मैच में वो कंटिन्यू हो रही है, बिल्कुल इतनी सी हेल्थ बची है, सर लाल हो चुका है, कमर येलो एंड रोमन रेंज तो बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल रेडी, लेकिन हमने शुरुआत से डोमिनेट करना स्टार्ट किया इस मैच को। अगर मैं हार गया इस राइवलरी को यार, तो नहीं पॉल हेमन की नज़रों में गिर जाऊंगा मैं भाई, मुझे पॉल हेमन गाय बनना है। धाड़ पेट में मारी, रोमन रेंज आज तुझे हारना पड़ेगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़ी यहीं पे, सब कुछ लगा दिया जाएगा आज, जिंदर महल प्रूव करके जाएगा। ए स्टार प्लेयर है, ए नंबर, एक नंबर, बूम, दो लात और झड़े इसके मुंह पे, जीरो पे अटका हुआ है रोमन रेंज, बिल्कुल मौका नहीं दिया अभी तक हमने एंड ये पटका, स्टार्ट हो गया भाई रोमन रेंज। ये ले बेटा, फुल रेडी आया हूँ मैं, तूने बहुत पंगे उठाए मुझसे, बीच में इतना मारा एक दूसरे को हम दोनों ने मैच के बीचेस में जा जा के। ये दो तीन और पंचेज एंड अब गर्दन से पकड़ा है, नेक ब्रेकर ऑन द नी। भाई कुछ डेंजरस तो करना पड़ेगा आज इसको, टेबल में, स्टील पोस्ट में, बैरिकेड में फोड़ना तो ज़रूर पड़ेगा, उसकी हेल्थ मुझे बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म करनी पड़ेगी। पीछे से अटैक किया रोमन ने, सीधा मेरा मुंह पड़ा टेबल के ऊपर, ये पड़ा एक और एल्बो ड्रॉप, रेफरी काउंट आउट करते हुए फटाफट, थोड़ा स्मार्टली खेलना पड़ेगा हमें ये गेम। अरे शिट, रिवर्सल नहीं हो रहे, घंटा स्मार्ट, ये ले, ये ले। हो, रोमन रेंज को घूम के एक झड़ा है, हम चाहे तो बाहर ही इसको काउंट आउट करा सकते हैं आराम से। चार हो गया यहाँ पे, सिग्नेचर मूव आ चुका है जिंदर महल के पास एंड रिंग के बाहर ही सिग्नेचर मूव एंड ओह, उसने मेरा सिग्नेचर मूव रिवर्सल कर दिया है, वो भी रिंग के बाहर, क्राउड में फेंक दिया मुझको। 7 काउंट आउट हो चुका है, अबे जल्दी जा अंदर, मुझे उल्टा काउंट आउट करा देता ये बाहर। आ जा बेटा, मेरा सिग्नेचर मूव लेके भाग गया, उसके पास फिनिशिंग मूव आ गया यार, शिट, और बड़ी प्रॉब्लम हो गई यहाँ तो।
एक देना है उसको मैं ख़त्म, एक देना है बस उसको। कर दिया भाई उसने कॉर्नर सिग्नेचर अपना स्टार्ट कर दिया है। स्पीयर मारने की कोशिश करेगा हमें, दे दिया स्पीयर। रोमन रेंज ने जिंदर महल को दो टुकड़ों में यहाँ पे, एंड बूम, व्हाट अ स्पीयर, बहुत ही बड़ा वाला। जिंदर महल पूरा लाल हो चुका है, क्या ये बच पाऊंगा मैं इसमें, आएगा नहीं। 1 2 3 रोमन रेंज से बहुत बुरी तरह हारते हुए यहाँ पे, एंड मैन ओ मैन दे हैव बैटल बैक एंड फोर्थ ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स, बट फाइनली द बिग डॉग इज विक्टोरियस इन दिस राइवलरी। मैं जीत नहीं पाया, व्हाट द हेल। यहाँ पे जिंदर महल थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा अपसेट है कि दूसरा मैच था मेरा, मैं बिल्कुल रेडी नहीं था भाई। बट ऑल सेड एंड डन, देयर इज योर चैंपियन राइट देयर। अरे कहाँ का चैंपियन, एक दिन आना जब एक ही मैच हो मेरा। लेकिन मैं राइवलरी जीत गया हूँ, हम पेपर व्यू में मैच जरूर हार गए होंगे लेकिन उस राइवलरी को जीत गए हम लोग। राइवल फ्यूड कंप्लीट कर चुके हैं रोमन रेंज के अगेंस्ट, थैंक यू सो मच। आई डोंट नो, दो दो चैंपियनशिप, दो दो मैचेस ऑन पेपर व्यू काफ़ी टफ हो जाता है। क्या हमें टैग टीम टाइटल छोड़ देना चाहिए, आई डोंट नो मैन। कितने देर रखना है इसको पहले तो ये बताओ। होल्ड एनी टाइटल फॉर 365 डेज, 198 डेज हमने एज टैग टीम चैंपियन कंप्लीट कर लिए, 198 डेज, कुछ कम बात नहीं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये था आज का एपिसोड, आई होप आप लोगों को मजा आया। प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड मुझे कॉमेंट्स में बताइए आपका फेवरेट मोमेंट। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम विथ मोर, तब तक के लिए बाय बाय।